जैसा कि आप जानते हैं, ये है काजल का घर और आज काजल के घर में यहाँ सुबह सुबह काजल झाड़ू लगा रही है और शोना अपने खिलौनों के साथ खेल रही है और वहाँ सिद्धार्थ चिड़ियों को खाना खिला रहा है। तो चलिए आज जानते हैं काजल की कहानी में क्या होता है। उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। चलो जल्दी जल्दी घर में झाड़ू लगा लेती हूँ, साफ सफाई कर लेती हूँ। पता नहीं सुबह से आज पानी क्यों नहीं आ रहा, लाइट भी नहीं है और पानी भी खत्म हो गया है। अब चलो जल्दी जल्दी शोना को नहला देती हूँ। अच्छा हुआ मैंने 2 बाल्टी पानी भर के रख ली थी। यहाँ काजल शोना को नहला लेती है। चलो शोना तुमने तो नहा लिया है और पानी भी खत्म हो गया है, पता नहीं कब लाइट आएगी और कब मैं पानी भरूंगी। पता नहीं लाइट आज क्यों नहीं आ रही है, पूरे घर का पानी खत्म हो गया है, बस थोड़ा सा किचन में ही पानी बचा है कुछ काम धाम खाने पीने के पकाने के लिए। अच्छा हो जल्दी से लाइट आ जाए वरना ये पानी का मसला तो ज्यादा हो जाएगा। चलो मैं तुम्हारे बाल पोंछ देती हूँ, शोना अच्छे से हिलो मत, तुम्हारे बाल अच्छे से पोंछ देती हूँ। यहाँ काजल शोना को तैयार कर देती है, कि श्याम भी बाहर से आ जाता है। लगता है शोना तुम्हारे पापा आ गए हैं। अरे अरे मुझे तो जल्दी से फ्रेश होने जाना है, पहले जल्दी से बाथरूम जाता हूँ। ओहो मुझे तो बहुत जोर से आई है, जल्दी से जा करके बाथरूम में चला जाता हूँ, जल्दी से फ्रेश हो लेता हूँ। हाँ श्याम बिना पानी चेक के ही बाथरूम में चला जाता है। अरे अरे ऐसा ना हो शोना के पापा बिना पानी के ही बाथरूम में चले जाएं, जल्दी से उन्हें जा करके रोकती हूँ। अरे नहीं ये तो बिना पानी के बाथरूम में चले गए। अरे शोना के पापा आपने पानी देखा था, घर में पानी खत्म हो गया है, आप बिना पानी के ही बाथरूम में चले गए हैं। शोना के पापा पानी बिल्कुल भी बाथरूम में नहीं है। अरे काजल मुझे बहुत जोर से आई थी, मैंने चेक ही नहीं किया, मैं फौरन से बाथरूम में चला आया था, तुम पानी का इंतजाम करो ना कहीं से, ऐसे में कैसे बैठे रहूंगा। ओह शोना के पापा पानी चेक करके आपको बाथरूम जाना चाहिए था, आप भी ना काम पे काम बढ़ा देते हैं। ऐसा करती हूँ किचन में थोड़ा सा पानी रखा हुआ है वही इन्हें दे देती हूँ, कब तक बाथरूम में बैठे रहेंगे। अरे सिद्धार्थ जा करके ये बाल्टी का पानी अपने भैया को दे आओ, वहाँ बाथरूम में बैठे हुए हैं, बिना पानी के ही बाथरूम चले गए हैं, कब तक बैठे रहेंगे। अरे भैया भी ना कमाल करते हैं, इतनी हड़बड़ाहट में चले गए कि पानी भी नहीं देखा। चलो ये पानी दे आता हूँ भैया को, कब तक बैठे रहेंगे, बेचारे पैर दुख जाएगा बैठे बैठे उनका तो। अच्छा भैया मैं पानी लेकर के आ रहा हूँ, आप टेंशन। अरे ये पानी तो गिर गया मेरे हाथ से, हाय हाय हाय, अब मैं क्या करूँ, अब तो और पानी है भी नहीं घर में। भैया कब तक बैठे रहिएगा, ऐसा ना हो गया गुस्सा करे। अरे भाभी बाल्टी का पानी तो गिर गया। अरे अरे सिद्धार्थ क्या करते हो, बच्चे हो क्या, हर वक्त गलतियाँ करते हो, अब तो पानी भी नहीं है। ओहो शोना के पापा आप कब तक बैठे रहिएगा। भैया आप टेंशन मत लीजिए, बाल्टी का पानी मेरे हाथ से सरक के गिर गया है। क्या सिद्धार्थ तुम भी ना, इतना सा तो पानी बचा था उसे भी तुमने गिरा दिया, ऐसे में कब तक ऐसे बैठा रहूंगा, जाओ जल्दी से कुआं से पानी लेकर के आओ, ऐसे नहीं बैठ सकता मैं इतना देर तक। क्या कुआं से पानी लेकर के आऊं, अरे पर मुझे तो कुआं से पानी निकालने नहीं आता है। कोई नहीं सिद्धार्थ आ जाएगा, इसी बहाने कुआं से पानी निकालने भी आ जाएगा। अब पानी तुमने गिराया है तो कुआं से पानी भी तुम्हें ही लाना होगा। अच्छा भाभी ऐसा है क्या, तो ठीक है भाई फिर तो मैं जाता हूँ कुआं से पानी लेकर के आता हूँ, लेकिन मैंने तो कभी कुआं से पानी निकाला ही नहीं है। अच्छा भैया मैं जाता हूँ, घबराइएगा मत, चलिए ये बाल्टी उठा लूँ लेकर के जाऊँ कुआं से पानी लेकर के आता हूँ। क्या मुसीबत हो गई सुबह सुबह, पता नहीं ये पानी क्यों नहीं आ रहा है, आज लाइट क्यों नहीं आ रही है, मेरा ही काम बढ़ गया भाई, आप तो मजे से बैठे हुए हैं अंदर, भैया पानी मुझे जाकर के लाना पड़ेगा। ओहो हो क्या मुसीबत है भाई, क्या मुसीबत है सुबह सुबह। यहाँ सिद्धार्थ कुआं पे पहुँच जाता है पानी लेने के लिए। अरे इस बाल्टी को कैसे कुआं में डालूं, अरे मैंने तो कभी भी नहीं निकाला है। अच्छा एक काम करता हूँ, बाल्टी को कुआं में डाल के देखता हूँ, फिर क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा कोशिश करता हूँ, ये बाल्टी में, अरे अरे ये बाल्टी तो छूट गई, अरे ये तो डूब जाएगी, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मुझसे तो कुछ होता ही नहीं है ठीक से, पता नहीं। अरे अरे देखता हूँ इधर उधर कोई डंडा है, अरे डंडा मिल जा। अरे हाँ हाँ ये लकड़ी का टुकड़ा है, ये उठा लेता हूँ, हाँ यही लकड़ी का उठा लेता हूँ टुकड़ा, इससे बाल्टी को निकाल लेता हूँ जल्दी से वरना बाल्टी तो डूब ही जाएगा। अरे क्या हो जाता है मुझे, कोई काम भी मुझसे ढंग से नहीं हो पाता।
अरे आजा आजा बाल्टी, आजा आजा। अच्छा हुआ बाल्टी के साथ पानी भी आ रहा है, मुझे फिर से भरना नहीं पड़ेगा। अच्छा हुआ अच्छा हुआ, जल्दी से निकालूं निकालूं, मेरा काम जल्दी से हो जाए। ये हाँ, चलो चलो चलो, एक काम तो हुआ अच्छे से। चलो भाई, बाल्टी का पानी भर गया। अब ये बाल्टी लेकर के जाता हूँ, भैया को देता हूँ। बेचारे भैया बैठे बैठे बोर हो गए होंगे, पैर दुख गया होगा उनका। इनका भी कमाल है भाई, बिना पानी के ही बैठ गए जाकर के। चलो भाई, बाल्टी लेकर के जाता हूँ। अरे अरे अरे, ये क्या कर दिया मैंने, ये बाल्टी का पानी भी गिर गया। ओहो हो, अरे मुझसे इतनी गलतियां क्यों हो जाती है। ओहो हो, क्या करूं क्या करूं। एक काम करता हूँ, फिर उठा के पानी भरता हूँ। लगता है मुझे कुओं से रस्सी खींच के ही पानी निकालना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहता करना, क्योंकि मुझे तो आता ही नहीं है। चलो इसी बहाने सीख लूंगा, क्या करूं क्या कर सकता हूँ, पानी तो लेके जाना ही है मुझे तो, वरना श्याम भैया बाथरूम में ही बैठे रह जाएंगे। यहाँ सिद्धार्थ दोबारा से बाल्टी को कुएं में डालता है, रस्सी से खींच के पानी निकाल लेता है। चलो चलो चलो, पानी निकल गया, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, मुझे तो आ गया कुआं से पानी निकालने। चलो भाई चलो, अब इस बाल्टी के पानी को संभल के लेकर के जाऊंगा, वरना कहीं ये फिर से मुझसे गिर ना जाए। चलो भाई चलो, पानी तो ले लिया, अब जल्दी से लेकर के घर जाता हूँ। नहीं नहीं, संभल के जाता हूँ, वरना कहीं पानी फिर मुझसे गिर गया तो फिर मुझे ही फिर मेहनत करनी पड़ेगी, फिर से पानी से निकालना पड़ेगा कुएं में से मुझे तो। भाई अच्छे से जाता हूँ, संभल संभल के जाता हूँ, धीरे धीरे जाता हूँ। अरे ये सिद्धार्थ कहाँ रह गया काजल? ओहो सोना के पापा, बेचारा पहली बार गया है कुएं पर, थोड़ा देर तो उसे लगेगा ही आने में। अब आपने गलती की है तो इंतजार भी करिए, बिना पानी के चेक किए आप बैठ गए बाथरूम में जाकर के, अब तो इंतजार करना बनता है। वो बेचारा पहली पहली बार गया है कुएं पर, थोड़ा टाइम तो लगाएगा ही ना पानी लाने में। अरे अरे काजल, मुझसे बैठा नहीं जा रहा, मेरे पैर बहुत दुख गए हैं, बैठे बैठे बाथरूम में मेरा दिमाग खराब हो रहा है, जल्दी करो कुछ करो। हाय हाय है, मैं क्या करूं सिवाय इंतजार करने के, सिद्धार्थ गया तो है पानी लाने के लिए, पानी लाएगा तो फिर आपको दे दूंगी, और क्या कर सकती हूं मैं। अरे अरे अरे, सिद्धार्थ आ गया, सोना के पापा घबराइएगा मत, सिद्धार्थ आ गया पानी लेकर के। वाह सिद्धार्थ, पानी लेकर के आ गए तुम? हाँ भाभी, इसी बहाने सीख लिया मैंने कुआं से पानी निकालना। एक बार दो बाल्टी का पानी छलक के गिरी गया था, दूसरी मर्तबा फिर डाल करके आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे संभल संभल के लाया हूँ। अच्छा अच्छा, जा करके अब ये पानी अपने भैया को दे दो, कब से बैठ के चिल्ला रहे हैं, थक गए हैं, पैर में दर्द हो गया है, अब जा करके दे दो उन्हें, उनके जान में जाना है। अरे हाँ 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 भैया ही के लिए तो पानी लाया हूँ, भैया लीजिए मैं पानी लेके आ गया। अरे नहीं 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 नहीं, अरे इतनी मुश्किल से पानी लेकर के आया था, ये पानी भी गिर गया। क्या कह रहे हो सिद्धार्थ, पानी फिर से तुमने गिरा दिया, अरे तुम कैसे काम करते हो सिद्धार्थ। हाय 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 सोना के पापा, मुझे तो आप पे अफसोस आ रहा है, लगता है फिर से आपको उतनी ही देर बाथरूम में बैठना पड़ेगा, क्योंकि सिद्धार्थ फिर पानी लाने में टाइम लगाएगा। हाय हाय हाय, ना बाबा ना, अब ना मैं अब इतनी दूर पानी लाने के लिए नहीं जाऊंगा, बहुत मुश्किल से मैंने पानी भरी थी, बहुत मेहनत लगती है भाभी, ये तो बड़ा मुश्किल वाला काम है, मुझसे नहीं होगा मुझसे नहीं होगा। अरे मम्मी लाइट आ गई, पानी आ गया होगा। क्या, ये तो बहुत अच्छा हो गया सोना के पापा, पानी आ गया होगा, अच्छा हुआ आपको अब बाथरूम में ज्यादा देर बैठना नहीं पड़ेगा, अब पानी खोल लीजिए, पानी आ गया होगा। क्या, लाइट आ गई, पानी भी आ गया, ओहो हो, मैंने तो बेकार ही इतनी मेहनत की, अच्छा होता भैया आप एक दो घंटा ऐसे ही बैठ के बाथरूम में इंतजार कर लेते। अरे बाप रे बाप, बैठे बैठे तो मेरे पैर ही अकड़ गए थे, अब जाके जान में आ जान आई मेरी तो, बाप रे बाप, पैर कितना दर्द कर रहा है, ओहो हो। क्या भैया, अगली बार से बाथरूम जाइएगा तो पानी ठीक से देख के जाइएगा, क्योंकि पानी निकालने में मेरी हालत खराब हो गई आज कुआं में। अच्छा अच्छा, किसी दिन तुम बाथरूम में जाओ, पानी खत्म हो जाए फिर मैं देखता हूँ क्या करते हो। बेचारी सोना के पापा कितनी देर बाथरूम में बैठे रहे।